सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। हमें भारत की न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है और आसाराम को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी, यह भी हमें विश्वास है। परंतु हमारी न्यायपालिका से प्रार्थना है कि बलात्कारियों को, दुराचारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी से कम सजा इन लोगों के लिए कोई सजा नहीं है। फांसी की सजा यदि होती है तो समाज में अन्य बलात्कारियों के लिए भी मैसेज जाएगा और समाज साफ सुथरा होगा, देश की बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगी। फैसला उनके पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, हमारे जीवन को खतरा तो बना ही रहेगा। और बात रही आसाराम को, कन्विक्शन तो होनी ही होनी है। सब जब केस पूरा उनके खिलाफ है, गवाहियां उनके खिलाफ है, तो उनके पक्ष में फैसला आने का तो प्रश्न ही नहीं है। दूसरी बात, गवाहों के जीवन को सुरक्षा की है तो गवाह जितने भी गवाह हैं सभी गवाहों के जीवन को खतरा तो बना ही रहेगा, क्योंकि पहले भी 10 गवाहों पे हमले हो गए जिनमें से 3 की डेथ हो गई, 1 अभी तक मिसिंग है। तो गवाहों की जान को खतरा तो लगातार बना रहेगा, अभी भी है, आगे भी। देखिए सुरक्षा तो है, पानीपत पुलिस ने अपने ढंग से मुझे पर्याप्त सुरक्षा दी गई है पानीपत पुलिस के अनुसार, और सुरक्षित महसूस तो ठीक है, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। परंतु फिर भी हम केंद्रीय सुरक्षा की मांग करते हैं।